एंड दीज आर माई 35 वॉट हैलोजन. अब इनको मैं नीचे कर लूँ, ऊपर कर लूँ, इनको काम उतना ही करना है जितनी इनके अंदर पावर है. आप सब एक टाटा नेक्सॉन ओन करते होंगे या फिर करेंगे, चाहे जो भी हो टाटा नेक्सॉन की जो लाइट की क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं बहुत बहुत ज़्यादा कम है जहाँ तक मुझे लगती है, क्योंकि ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी है ओनिंग दिस कार फ्रॉम 2 years. इसकी लाइट की कैपेसिटी काफ़ी कम है. आप जब एक कार खरीदते हो तो आपके पास चॉइसेस क्या क्या आ जाती हैं. सो हे एवरीवन, माय नेम इज ध्रुव एंड यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि वीडियोस मैं लेकर आता हूँ एकदम कार की, बाइक्स की, मोटो एंथुसियास्ट हूँ तो इन सब चीजों की वीडियो लाता हूँ. ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको ये पसंद आई, और एकदम फैला देना इस वीडियो को अच्छे से हर जगह, हर किसी को भेज देना जिसको इस वीडियो की जरूरत है. आप में से जितने भी लोग हैं, ऑलमोस्ट 50-60% लोगों ने, सब ने ट्राई किया होगा कि मैं HID लगवाऊंगा, मैं LED लगवाऊंगा, कौन सी LED बेस्ट है, कौन सी HID बेस्ट है, किसमें मुझे रोड प्रेजेंस है गाड़ी का सबसे अच्छा दिखेगा. अकॉर्डिंग टू माई फ्रेंड मोहित, उनका आइडिया था गाड़ी के अंदर ऐसी चीज करने का. अगर आप हमारी गाड़ी की जो व्हाइट लाइट होती है वो हाईवेज पर, लॉन्ग ड्राइव पर ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती, सिटी तक हमारा जो प्रोजेक्टर है वो काफी अच्छा काम कर देता है. पर बात आ जाती है कॉस्ट की. जब आप बात करते हैं एक HID की, HID की पूरी किट आती है अप्रोक्सीमेटली 7,500-8,000 रुपए की, विद जो फॉग लैंप्स है उसके अंदर आप लगवाओगे प्रोजेक्टर्स लगवाओगे और साथ ही साथ लगवाओगे HID, वो भी 55 वॉट, 72 वॉट कोई तो लगवाओगे, उसके अंदर भी आपका खर्चा बहुत ज्यादा आराम से नहीं बेयर कर सकते. और हैलोजन के अंदर हमारी विजिबिलिटी होती नहीं, ऐसे पहले आपने मेरी क्लिप देखी, इतने वीक प्रोजेक्टर सिस्टम इसका अच्छा है लेकिन इसका जो अंदर लाइट है वो पावर कम है. तो इसके लिए मैं क्या लेकर आया हूँ, व्हाट आई हैव चोज इज, ये मैं फर्स्ट टाइम नहीं कर रहा हूँ, दीज आर माय सेकेंडरी बल्ब्स, लेकिन मैं आपको फिर दोबारा इंस्टॉल करके दिखाऊंगा. एंड इसको मैं ऑलमोस्ट 1 साल से यूज कर रहा हूँ. ये चीज ऐसा मत सोचना कि मैं गाड़ी के ऊपर ज्यादा लोड डाल रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल लोड आ रहा है. ये जो चीज है पर्सनली मैं यूज करता आ रहा हूँ. सो दीज बल्ब्स आर रेडी टू गो. आप 100 वॉट मत लगाना, 100 वॉट की अगर आप बल्ब लगाते हो, जैसे ये है, दीज आर H780 वॉट, अगर 100 वॉट के आप बल्ब लगाते हो तो फिर उसके अंदर दिक्कत ये आती है कि आपकी गाड़ी का लोड बहुत 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 ज्यादा बन जाता है. अब मैं इन बल्ब्स को निकालता हूँ एंड आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ आगे, दैट हाउ दे गोना बी गेट इंस्टॉल, इसका रिस्पांस क्या होता है रात के अंदर, वो जरूर चेक करते हुए जाना. एंड ऑल्सो आप सबके लिए मैंने लिंक दिया है इन सारे बल्ब्स का डिस्क्रिप्शन के अंदर, सो प्लीज चेक करना जाकर, ताकि आपको, क्योंकि ये मार्केट में इजिली नहीं मिलेंगे. मैं करोल बाग पर्सनली घूम कर आया हूँ, दिल्ली का सबसे बड़ा कार मार्केट हब है, वहां पर यही चीज ऑलमोस्ट 300 रुपीज का सिंगल पीस मिल रहा था, जबकि अमेजोन पर 300 रुपीज के 2 मिल रहे हैं, विच इज जेन्युइन प्राइस. तो ओवर प्राइस दे रहे हैं करोल भाग के अंदर, तो बेटर है अमेजोन से मंगाओ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. सो इंस्टॉल करने से पहले यू नीड टू ओपन द बूट. हम ले लेंगे अपने 4 बल्ब्स, क्योंकि आगे हमारे 4 बल्ब्स ही लगेंगे. ओके. तो आपको क्या करना है, ये जैसे आपका एक हेडलैम्प है एंड ये आपका एक हेडलैम्प है, इसके अंदर यहाँ पर आ जाते हैं हमारे डस्ट कवर्स. एक डस्ट कवर ये रहा एंड दूसरा डस्ट कवर ये रहा. इन दोनों साइड के मैं इंस्टॉल करके आपको दिखा देता हूँ बल्ब. सो फर्स्ट आपको क्या करना है, एक साफ कपड़ा लो एंड इस एरिया को कर दो आप अच्छे से साफ. एक बार साफ हो जाए तो फिर इसका जो डस्ट कवर है ये बड़ी प्यार से आप निकाल दो. निकल गया. अब आप इसके अंदर देखोगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको एक स्विच, एक कपलर. कपलर को निकाल लो बड़ी प्यार से. अब ये देखो, ऐसे बल्ब निकालो एंड इट्स इजी, वेरी इजी. अब ये खुद देखोगे कि यहाँ पर ये जो बल्ब है ये ऑलरेडी 80 वॉट है. सो आई एम यूजिंग दिस फ्रॉम क्वाइट फ्यू इयर्स, सो देयर इज नो प्रॉब्लम. सो गाइस, एज यू कैन सी कि इसके अंदर मैंने 80 वॉट्स के जो बल्ब हैं वो लगा दिए हैं. एंड इसके अंदर मैं चाहकर भी आपको नहीं दिखा पाऊंगा, आई एम सो सॉरी, लेकिन आप जब एक बार खुद खोलोगे तो आप समझ जाओगे. इसके अंदर एक क्लिप होती है, क्लिप को एक बार ध्यान से निकाल लेना, क्योंकि वो क्लिप निकलनी नहीं चाहिए अपने सुराखों से, वो आप समझ जाओगे. इजी प्लग एंड प्ले है अगर आपको. और अब मैं इस साइड का इंस्टॉल करता हूँ एंड इसका आउटपुट दिखाता हूँ फिर आपको. ओ माय गॉड, द इंस्टॉलेशन वाज टफ मैन, वेरी टफ. इसको इतनी इतनी जगह में जाकर लगाना एंड घुसाना वॉज नेवर एन ईजी टास्क. सॉरी कि कार इतनी गंदी हो रखी है, साफ करने का सच में टाइम नहीं मिला. जो आप मेरे ट्रिप का व्लॉग देखोगे, यस आई एम गोइंग ऑन अ ट्रिप, अगली वीडियो जरूर आएगी प्रिपरेशन की एक छोटी सी, उस दिन मैं लाइव भी गया हूँ आपने देखा होगा.
सो दैट इज ऑल फॉर दिस. इसके अंदर आ चुका है 80 वॉट, इसके अंदर आ चुका है 80 वॉट. अब मैं आपको डायरेक्टली दिखाता हूँ इसका आउटपुट एंड इसके बारे में कुछ मेन बातें हैं वो भी करते हैं. सो गाइज, दिस इज द सेम लोकेशन, द सेम रूट, सेम कार, बट द बल्ब्स आर 80 वॉट ईच. अब मैं आपको इसका दिखा देता हूँ रुतबा कि ये कितना जस्टिस करते हैं, क्या ये वर्थ है लेने या नहीं. सो 3, 2, 1, कैन यू सी द डिफरेंस. अरे ये देखो हाई बीम, ओ माय गॉड. अब मैं आपको अंधेरे वाले उसमें ले जाकर दिखाता हूँ एक बार. ओके, सो मैंने इंजन जो है वो स्टार्ट करे रखा है. अब आप देखो ये अभी इसकी DRL चल रही है, DRL हो गई ऑफ, यहाँ की पार्किंग के अंदर, पार्किंग के अंदर से जाकर ये हो गई है हमारी सिर्फ लो बीम ऑन. आप देख सकते हैं कि इसकी जो बीम है वो एकदम नीचे है. अब बीम को मैंने कर दिया एकदम ऊपर. ओ माई गॉड, वॉट अ ग्रेट डिफरेंस इट इज यार. ये देखो वो अब लाइन देख रहे हो, एक ओवल बन चुका है वहाँ पर सामने. सो इतना ज़्यादा डिफरेंस आता है सिर्फ 80 वॉट के अंदर स्विच करने से विदाउट डैमेजिंग एक्सटर्नल वायरिंग एंड दीज आर बजट फ्रेंडली ऑल्सो. सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई यहाँ तक, हेडलाइट की एक छोटी सी मॉडिफिकेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी. दिस इज नॉट ओनली लिंक टू नेक्सॉन, मतलब सिर्फ नेक्सॉन ओनर्स ही नहीं कर सकते. जिस गाड़ी के अंदर, जिस चीज के अंदर एक ऐसा H7 बल्ब लग सकता है उसको आप लगा सकते हो 80 वॉट से रिप्लेस कर सकते हो, जो हमारी गाड़ी के अंदर आता है 55 वॉट्स वाला. अगर आप 80 वॉट के अंदर स्पेशली जाते हो तो फिर आपको रिले लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर आप जाते हो 100 वॉट्स के अंदर उसके अंदर आपको रिले लगानी पड़ती है. रिले का कॉस्ट आता है कुछ 800 to 900 रुपीज़, पर उसके अंदर दिक्कत यह है कि 100 वॉट वाला बल्ब आपकी हेडलाइट को कर देगा येलो एंड देर इज़ अ चांस कि आपका शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, क्योंकि फ्यूज जो होते हैं वो लो करंट के होते हैं. आप समझ सकते हो, यू आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि मैं कहना क्या चाहता हूँ. सो अगर आप अपनी हेडलाइट करते हो 80 वॉट्स के अंदर अपग्रेड, सो उसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है. आपने देखा आउटपुट कहाँ से लेकर कहाँ तक बढ़ गया, ऑलमोस्ट 50% ऑफ लाइट आउटपुट बढ़ चुका है, वो भी 140 रुपीज़ का एक बल्ब है. सो 600 to 700 रुपीज़ के अंदर आपको पूरा का पूरा काम हो जाएगा. एंड आई लाइक दैट. पसंद आया तो आपके साथ शेयर किया, आपको पसंद आया तो आगे ज़रूर किसी के साथ शेयर करना. एंड फॉर दिस वीडियो, अगर आपको पसंद आई या फिर कोई भी वीडियो मेरे चैनल पर पसंद आई तो प्लीज़ इस चैनल को जाते हुए एक सब्सक्राइब देकर जाना एंड लाइक दिस वीडियो. एंड सेकेंडरी फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, यहाँ पर जाता हूँ ट्रैवल की सीरीज, हर चीज़ के एक एक अपडेट्स आपको इंस्टाग्राम पर देखने को मिल जाएंगे. सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बी यू, क्रिएट यू वीडियो. नेक्स्ट वीडियो सुपर सून.